हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा सिमिल सेंड एग्रीगेट की क्वांटिटी निकालें। किस तरह से आप क्वांटिटी निकालेंगे कि इस कलम के अंदर में अगर 3 बाई 6 3 मीटर हाइट है इसकी और 300 बाई 600 विद एंड डेप्थ है, तो इसकी टोटल क्वांटिटी कितना निकलेगा कि सीमेंट कितनी है, सेंड कितनी है और एग्रीगेट कितना है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि हमें कलम की वॉल्यूम निकालना है। कलम का वॉल्यूम निकालने के लिए आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होता है कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होती है। तो एल बी एच मैंने दिया 300 बाई 600 बाई 3 मीटर, मतलब कि 300 को अगर मैं लूँगा तो ये 0.3 मीटर होती है, 600 को अगर मैं लूँगा तो मीटर में 0.6 मीटर होता है और 3 मीटर हमारा हाइट दिया हुआ है। तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो 0.54 क्यूबिक मीटर हमारा वेट वॉल्यूम आ जाएगा। ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए हम 1.54 लेते हैं। ये 1.54 कहाँ से आया मैं आपको अगली वीडियो में पूरा डिटेल में बता दूंगा। आप यहाँ पर देखिए, कभी भी कंक्रीट में अगर हम ड्राई वॉल्यूम निकालेंगे तो 1.54 हमको अवश्य ही लेनी है। तो 0.54 मल्टीप्लाई करने हैं 1.54 को, तो 0.831 क्यूबिक मीटर हमारा ये ड्राई कोफिशिएंट का ड्राई वॉल्यूम हमारा आ जाएगा। क्या आएगा, ये हमारा ड्राई वॉल्यूम आ जाएगा। अब हमको मिक्स अगर कंक्रीट की रेशियो लेनी है तो मिक्स कंक्रीट का रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है M20 का। M20 का होता है 1:1.5:3 होती है। तो सबसे पहले क्या है कि देखो, सीमेंट निकाल लिया है, सीमेंट की रेशियो क्या है, 1 है, तो 1:100/सामग्री रेशियो। अगर इसको वही सीमेंट है आई टोटल को जोड़ेंगे तो 5.5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना नहीं है आपको टोटल ड्राई वॉल्यूम से, ड्राई वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये 0.151 क्यूबिक मीटर हमारा ये निकल के आ जाएगा। इसको क्या करना है, हमको केजी मिलानी है। तो केजी मिलाने के लिए क्या, इसका डेंसिटी कितनी है, 1440 है सीमेंट का। 1440 से मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा जो क्यूबिक मीटर निकल के आया है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.1551 से, तो हमारा निकल के आ जाएगा 270.44 केजी। केजी को हम क्या करेंगे, सीमेंट हमें जो है सीमेंट हमेशा बैग में आता है, तो बैग में लाने के लिए एक बैग के अंदर जो 50 केजी का बैग होता है, तो 50 से हमने क्या किया डिवाइड कर देंगे। 50 से डिवाइड करने के बाद हमें आ जाएगा 4.34, पूरा लिखेंगे मतलब 5 बैग। यहाँ पे क्या होगा, इसमें 5 बैग लगेगी। सेंड करने के लिए सेंड का 1.5 / सम ऑफ रेशियो 5.5 है, इसका ड्राई वॉल्यूम यहाँ पर लेंगे 0.831, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 0.226। में सेंड हमेशा क्यूबिक फिट में लिया जाता है, इसलिए हमने इसको क्यूबिक फिट में लिया। 0.226 को मल्टीप्लाई किया 35.31 से, मतलब 35.31 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 7.98 क्यूबिक फीट आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये 35.31 आया कहाँ से, तो ये क्यूबिक फीट में लाने के लिए अगर आप 1 मीटर में क्या होती है 3.281 फीट होता है, इसको अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 3.281 × 3.281, जैसे इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 35.31। तो यहाँ पे 7.98 क्यूबिक फीट आ जाएगा, मतलब 8 क्यूबिक फीट यहाँ पे सेंड लगेंगे। एग्रीगेट के लिए होता है, एग्रीगेट का क्या है, रेशियो 3/सम ऑफ रेशियो 3/5.5 × 0.831, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 0.453 क्यूबिक मीटर आ गया। क्यूबिक फीट में लाने के लिए सेम वही करेंगे तो हमारा यहाँ निकल के आ जाएगा 15.99, मतलब 16 क्यूबिक फीट हमको यहाँ पे एग्रीगेट लगेगा। तो आप यहाँ देख पाएंगे कि 3 मीटर हाइट और 600 बाई 300 का कलम है, सीमेंट लगेगा मेरा 5 बोरी, सेंड लगेगा मेरा 8 क्यूबिक फीट और एग्रीगेट हमेगा 16 क्यूबिक फीट लगेगा। हमेशा याद रखें, जितना सेंड अगर लगता है उसका 2 गुना एग्रीगेट लगेगा, जितना भी सेंड लगेगा उसका मेरा 2 गुना एग्रीगेट लगेगा। चाहे M20 लें, M25 लें, M15 लें, उसमें हमेशा सेंड से 2 गुना एग्रीगेट लगता है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब कर दें, और उसमें कोई डाउट हो तो कमेंट्स करें, मैं उसको भी दूर करूँगा। थैंक यू।